24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को करने में 30 दिन का समय लगाता है और सी जो है वो काम को 60 दिनों में समाप्त कर देता है। तो आपको बताना ये है कि अगर पहला दिन ए काम करे, दूसरा दिन भी ए काम करे और हर एक तीसरा दिन जो है वो ए बी और सी तीनों मिलकर के काम को करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। याद रहे पहला दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी आएगा, तीसरा दिन तीनों आएगा और ये चीज हमेशा चलता चला जाएगा। तो आपको बताना कितने दिन में काम समाप्त होगा। तो सिंपली हमको पहले ये पता करना होगा टोटल काम कितना है और ए बी और सी काम एक दिन में कितना काम करता है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब हम ये मानकर चलेंगे टोटल काम कितना है, 60 यूनिट का काम है, 20 दिन में ये 60 काम करता तो एक दिन में 3 करेगा, ये 30 दिन में 60 कर रहा तो एक दिन में आपका 2 करेगा और ये 60 दिन में 60 कर रहा तो एक दिन में आपका 1 काम करेगा। अब पहला दिन कितना काम हुआ, 3 काम, दूसरा दिन भी 3 काम, लेकिन तीसरा दिन कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 5 = 6 काम हो जाएगा। जो 3 दिन का काम हुआ वो कितना हो गया, 3 × 3 = 6 = 12 हुआ, 3 दिन का काम हो गया 12, हमको कितना काम करना है, 60 काम करना है। तो अगर हम इसको 5 से गुना कर देते कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो यहाँ भी 5 से गुना करना होगा तो 5 से कितना हो गया 15, यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है वो एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को करने में 18 दिन लगाता है और ये दोनों काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन ए जो है वो 3 दिन पहले काम को छोड़कर चला जाता है। तो आपको बताना ही है कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सिंपली हमको इसका एलसीएम निकालना होगा जो कितना आएगा, 36 आएगा। अब हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा टोटल काम कितना है, 36 यूनिट का काम है, 12 दिन में 36 काम, 1 दिन में 3 काम, 18 दिन में 36 काम, 1 दिन में 2 काम। अब क्या है यहाँ पर, ए जो है वो काम को छोड़कर 3 दिन पहले जा रहा, अगर ये काम छोड़कर नहीं जाता तो 3 दिन में ये कितना काम करता, तो 3 × 3 यानी कि ये 9 काम करता। तो इसमें आप क्या कीजिए, 9 को जोड़ दीजिए। अब 36 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब ये दोनों मिलकर काम कितने दिन में, अगर ये दोनों मिलकर काम करे तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 × 2 = 5 काम। अब 45 को क्या कीजिए, आप 5 से भागा दे दीजिए तो 5 कम 5 = 45, तो 9 दिन हो जाएगा हमारा आंसर जो बा में है।